हर साल भारत में कई खिलाड़ी इस उम्मीद के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं कि एक ना एक दिन वे अपने देश के लिए क्रिकेट खेलेंगे। कई खिलाड़ी बहुत ही कम उम्र में छोटे छोटे गांव से बड़े बड़े सपने लेकर बड़े शहरों की ओर अपना कदम रखते हैं। क्रिकेट के जुनून में खिलाड़ी दिन रात पसीना बहाता है। कुछ खिलाड़ियों की मेहनत सफल हो जाती है तो वहीं कुछ खिलाड़ी असफल होने के बाद क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। घरेलू क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तक पहुंचने का सफर कठिन जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद ही आप चयनकर्ताओं की नजरों में आते हैं। रणजी टूर्नामेंट भारत के सबसे बड़े घरेलू टूर्नामेंट में से एक है। इस टूर्नामेंट में युवा खिलाड़ियों द्वारा किया गया प्रदर्शन उनके लिए कई दरवाजे खोलता है। इस समय रणजी टूर्नामेंट जारी है और कई युवा खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। कई युवा खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके लिए यह पहला रणजी टूर्नामेंट है। इन्हीं में से एक युवा खिलाड़ी है रमन बिश्नोई, जिन्होंने अपने पहले रणजी टूर्नामेंट में शतक जमा दिया है। चंडीगढ़ और मेघालय के बीच खेले जा रहे मैच में 22 साल के रमन ने 220 गेंदों का सामना करते हुए 126 रनों की पारी खेली। इस साल ही रमन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया है। वे रणजी में चंडीगढ़ के लिए खेल रहे हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ टीम से ही खिलाड़ी अंकित कौशिक ने भी शतक जमाया है। इस खिलाड़ी ने 205 गेंदों का सामना करते हुए 148 रन बनाए हैं। रणजी टूर्नामेंट काफ़ी लंबा है और उम्मीद करते हैं कि इन दोनों युवा खिलाड़ियों के बल्ले से आने वाले मुकाबलों में और भी बड़े बड़े शतक देखने को मिले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस करें जिससे आपको मिल जाएंगी क्रिकेट की ताज़ा जानकारियाँ सबसे पहले।